खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस विभाग की ओर से नशे के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाए गए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत एक युवक के कब्जे से अवैध अफीम बरामद की गई है। इसके तहत ही थाना अधिकारी वेदपाल श्रोणा ने बताया कि धनासार चौकी प्रभारी इमचिंद के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान रावतसर अस्पताल के पास से 19 वर्षीय दीपक पुत्र भेरूलाल शर्मा को 2 किलो 600 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। रावतसर क्षेत्र में आज हमारी जो सब इंस्पेक्टर हैं इमीचंद और उनकी टीम के द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में अफीम बरामद की है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में 100 दिवसीय कार्य योजना का एक बिंदु यह भी है, जो तस्करी है उन पर अंकुश लगाया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए। उसी क्रम में आज सब इंस्पेक्टर इमीचंद और उनकी टीम के द्वारा 2 किलो 600 ग्राम अफीम दीपक सन ऑफ भैरूलाल, जो कि बड़ी सादड़ी का निवासी है, उससे बरामद की है। मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा जारी है।